इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब धर्म विशेष से नफरत करना आम बात बनती जा रही है? बेलगाम और अतराफ में बढ़ते वाकियात सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मीडिया ने जैसे कसम ही खा रखी है कि कोरोना महामारी के जरिए सिर्फ एक समाज को ही निशाना बनाया जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में कोरोना पॉजिटिव के मामले में हर रोज इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा आज फिर 5 मामलों के साथ तादाद 41 पर पहुंची और यकीनन यह तादाद परेशान करने वाली है। क्या बात है कि आखिर मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल करने के बावजूद भी पॉजिटिव मामले में इजाफा होता जा रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि इंतजामिया की गफलत का ही नतीजा रहा कि आज पॉजिटिव मामलों में इस तरह इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ बढ़ते पॉजिटिव मामले तो दूसरी तरफ कोरोना बीमारी को एक ही समाज को जिम्मेदार ठहराने की साजिश को पुख्तगी बख्शने का काम फिरका परस्तों की जानिब से किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि समाज में नफरत जहर खोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पर कहने और करने में काफ़ी फर्क महसूस किया जा रहा है। बेलगाम पुलिस ने भी सख्त अल्फाज में तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा इशारा दिया था, पर खासकर वड़गांव, अनगोल, शाहपुर, हीरे बागेड़ी, बेलगुंडी, उजगांव और दिगर देहातों में जहां पर कलील तादाद में मुसलमान रहते हैं यहां पर रोजाना नफरत फैलाने के वाकियात में इजाफा होता नजर आ रहा है। सब्जी फ्रूट वालों को बेरहमी से पीटने की वारदातों में इजाफा होता ही जा रहा। आखिर कानून हाथ में लेकर बेरहमी से पीटने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि खास केसरी परचम का, खास कलर का, खास रंग का एक परचम अगर आप अपने ठेले पर लगाते हैं तो इससे ही गांव में दाखिला दिया जा रहा है। इस पर भी इंतजामिया तवज्जो दे ऐसा आवाम का कहना है। खासकर एल्लूर गांव में मुस्लिम समाज को गाली देते हुए बड़ा बोर्ड लगाया गया था जिसमें गांव में कदम ना रखने की और रखने के बाद यहाँ से वापस ना जाने की धमकी दी गई थी। उसी तरह से हिशोबकर नामी शख्स ने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया क्या आते जाते वक्त जानबूझकर मुस्लिम अफराद छू रहे जिससे कोरोना बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इसी तरह के कई मामलों पर सख्त एतराज के साथ कार्रवाई की मांग करते हुए यल्लूर के तशद्दुद फैलाने वाले बोर्ड और सोशल मीडिया पर नफरत आमोज बयानात के स्क्रीनशॉट्स कर्नाटक स्टेट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेक्रेटरी जनाब एल के आतिफ जो इत्तफाक से बेलगाम में थे इन्हें दिखाए गए। इस पर अफसोस का इजहार करते हुए एल के आतिक ने फौरन बेंगलोर से राब्ता किया और बेलगाम इंतजामिया को इन पर कार्रवाई की हिदायत दी गई, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए विराट गली अल्लूर के तशद्दुद आमोज बोर्ड को पुलिस की जानिब से निकाला गया और जिन समाजद्रोही अफराधों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था उन पर भी कार्रवाई कर मुकदमे दर्ज करने का भी फैसला लिया गया। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक समाज को जिम्मेदार ठहराने के मैसेजेस फैलाने वालों पर भी कार्रवाई का भरोसा एल के आतिक ने दिया। इस वक्त सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ, सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ी वाले और वब बोर्ड चेयरमैन जनाब अब्दुल गफूर घी वाले मौजूद थे। इन्होंने बेलगाम पुलिस, इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेक्रेटरी एल के आतिक का शुक्रिया अदा किया। जनाब एल के आतिक ने कहा कि मुल्क मौजूदा दौर में सख्त हालात से गुजर रहा है, लिहाजा इस वक्त में हिंदू मुस्लिम करना इंतहाई शर्मनाक है। हम सबको मिलकर इस आलमी वबा कोरोना से लड़ना है, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे तो ही इस जंग में कामयाबी हासिल हो सकती है। बेलगाम शहरियों से गुजारिश करते हुए कहा कि हमारे रियासत के वजीर आला यड्रप्पा साहब ने भी किसी तरह का भेदभाव नाकाबिल बर्दाश्त होगा, कोरोना महामारी के लिए किसी एक समाज को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, लिहाजा इस लॉकडाउन के वक्त सभी मुल्क के शहरियों को मिलकर खड़े होने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर और विराट गली अल्लूर के बोर्ड पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुजरिमों पर कार्रवाई और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर हो रही कार्रवाई से फिरका पर सोच के अपराधों में खलबली मची हुई है। अब देखना यह है कि ऐसी वारदातें बंद होती है या नहीं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।